नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 26 जून 2023 मुनव्वर खान नगर लटेरी में न्यायमान समिति के पूर्व कमिश्नर सभाजीत यादव एवं खिदमत इंसानियत समाज समिति प्रदेश अध्यक्ष नसीम खान हिंदुस्तानी एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा लटेरी में जय स्तंभ चौराहे पर एक स्टेज सभा के दौरान पर एक मजदूर हम्माल के बेटे आयान खान द्वारा पहली कोशिश में नीट जैसी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आयान खान का हार फूलमाला और दोनों समितियों के प्रशस्ति पत्र शील्ड और कलम भेंट कर जोर शोर से सम्मान किया एवं आयान के बड़े भाई सना मोहम्मद अता मोहम्मद दादी का फूल माला पहनाकर सम्मान किया एवं दोनों ही समितियों ने आयान खान के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं लटेरी नगर के अन्य छात्र छात्राओं से अपील की है कि आयान खान की तरह सभी बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करें और प्रदेश के साथ साथ देश का गौरव बढ़ाएं। इस मामले में आयान खान ने कहा है कि जितना संभव हो मोबाइल से दूरी बनाएं और पढ़ाई पर फोकस करें एवं बेकार समय की बर्बादी ना करें। खिदमत इंसानियत के असद खान जिलानी ने कहा कि खिदमत इंसानियत समिति और न्याय मंच सदा से जनता के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं न्याय मंच समर्थक सचिन व्यास ने कहा कि खिदमत इंसानियत एक रजिस्टर्ड समिति है एवं सदैव बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से जिले में गरीब जरूरतमंद लोगों माता बहनों यतीम बच्चों की मदद करती है। इसके लिए समिति के साथ सभी को जुड़ना चाहिए। वहीं सिरोंज जिला बनाओ अभियान में लटेरी से डॉक्टर हरिचरण भार्गव सिरोंज जिला बनाए जाने की मुहिम में सभी से जुड़ने की अपील की एवं न्याय मंच प्रभारी पूर्व IAS कमिश्नर सभाजीत यादव द्वारा आगामी जुलाई को 35 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर सिरोंज जिला बनाओ अभियान विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने के लिए समस्त क्षेत्रवासियों से अपील की है। आपका नाम क्या है? सचिन भाई व्यास। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? लटेरी। जानना चाहेंगे, खिदमत इंसानियत ने अभी जो यहाँ पर एक लड़के को नीट परीक्षा पास करने पर उसका सम्मान किया, क्या है खिदमत इंसानियत कमेटी, जानते हैं? ये बिल्कुल जानते हैं कि बहुत ही मतलब रजिस्टर्ड समिति है जी, जो कि मतलब हर व्यक्ति की मदद करती है। अच्छा अच्छा। जो कि गरीबों को, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है उन लोगों की भी मदद करती है और जैसे कई बस्तियों में जाके जो कई परिश्रम कर रहे हैं लोग, उनसे मिलना जुलना, उनका सहयोग करना, गरीब आदमियों को जूते चप्पल वगैरह जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है उनमें भी मतलब उन लोगों को अवगत कराया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, उन लोगों को बांटा जाता है। आप जुड़े हैं इस समिति से? बिल्कुल। कैसा लगता है इस समिति के साथ? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अपने किसी का अच्छा करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो कोई व्यक्ति करता नहीं है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो कि इस कंपनी से, जो कंपनी भी का हो या फिर समिति का हो या फिर एक बहुत बड़ी चीज़ का हो, इसके लिए जो लोग बागों की मदद कर रही है तो बहुत मानवता का उदाहरण कर रहा है, इसके लिए मानवता का उदाहरण, एक परिचय दे रही है मानवता का, जो कि हिंदू मुस्लिम वगैरह कोई भी हो, इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, बहुत ही बढ़िया काम है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आयान खान, हम जानना चाहते हैं कि आप किसके लड़के हो? कल्लू भाई। कल्लू भाई, आपके पिताजी का नाम है, कहाँ रहते हैं? लटेरी में। सुनने में आया है आपने बहुत अच्छे अंकों के साथ नीट की परीक्षा जो है क्रैक की है जी। क्या कुछ कहेंगे इस सफलता के लिए? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दूंगा सबसे पहले जी, बाद मेरे भाई हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जी, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर, उन लोगों की सपोर्ट की वजह से आपने एक बेहतरीन परीक्षा फाइट की है और आगे आप मेहनत कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। और जहाँ तक रह, आपने कहाँ रहकर पढ़ाई की थी? मैंने भोपाल में रहकर। इसकी कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह ली जी? तो वहाँ जो आपके साथी स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने भी आपकी कुछ मदद की होगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, अच्छा उन्होंने आपका सपोर्ट किया, उनके लिए भी मुबारकबाद है। अच्छा, आगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है कि किस तरीके से कामयाब होना चाहिए? सबसे पहले तो मोबाइल को अपने से दूर रखना चाहिए। अच्छा, मोबाइल को, किताबों पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18। मात्र 18 साल, और ये आपने पहली ही कोशिश में नीट क्रैक किया है जी, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका श्रेय आपने अपने परिवारजनों को दिया है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी हम्माली करते हैं। हम्माली करते हैं, मतलब एक मजदूरी कर अपने बच्चों को भविष्य के लिए आगे बढ़ा रहे हैं और काफ़ी हद तक ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, हमारे बच्चे तरक्की करें।
तो उनके लिए भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर की तरफ ले लें, सर आपसे जानना चाहते हैं कि आपने आज इनका अयान खान का सम्मान किया, कैसा लग रहा है एक हमाल के लटेरी जैसे जी और गरीब परिवार में जी लेकर के पहले ही प्रयास में जो सफलता अर्जित की है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और सबसे अधिक बधाई उनके माँ बाप को जो बहुत ही अधिक श्रम करके अपने बच्चे का भविष्य को जो है बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। आप सबका भी उनको प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए आप सबको भी बहुत बहुत ठीक है। इसी जरिए से आपने आज एक हमाल के लड़के ने नीट परीक्षा पास की है उसको आपने सम्मान दिया है। खिदमत इंसानियत जो संस्था है ये नसीम हिंदुस्तानी हम लोगों ने बैठ के बनाई थी, उन्होंने बोल रखा था, फिर थोड़ा मैं तो उतना बिजी रहा लेकिन उन लोगों ने मिल के बड़ा इसको बड़ा इसके से कम टाइम में पूरे ज़िले में तहसील में सिरोही तहसील खासतौर नदी तहसील में बड़ा अच्छा काम किया, वो गरीबों को मदद पहुँचाना और भूखों को खाना खिलाना जहाँ भी जो कुछ होता है सबसे पहले पहुँचने वाली संस्था है। प्रवेश प्रारंभ ओली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से टू 12 बीच बायो साइंस एंड कॉमर्स, फिर शिक्षित स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि, 144 अशोका कॉलोनी रॉयल मार्केट भोपाल।